नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, आशा करता हूँ इससे पहले आपने हमारा जो कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला वीडियो है वह अवश्य देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो के बिना आप यह एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जाकर इससे पहले वाला वीडियो जो कि है विशिष्ट कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात, वह आप अवश्य देखें और उसे समझें। उसके बेसिस पर हम यह एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान निकालिए। प्रथम भाग है साइन 60 डिग्री कॉस 30, इनके बीच में कोई निशान नहीं है यानी गुना होंगे ये। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए हम इसे हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, साइन 60 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो उसमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2। ठीक है बच्चों, देखिए साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 गुना कॉस 30 की भी यही वैल्यू थी √3/2। इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूं, बीच में है प्लस, तो प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो देखिए साइन 30 ये वैल्यू कितनी है 1/2 और कॉस 60 यह भी है 1/2। तो साइन 30 भी है 1/2, कॉस 60 भी है 1/2। तो देखिए साइन 30 1/2 गुना कॉस 60 भी है 1/2। तो हमें इसे हल करना है, देखते हैं। देखिए √3 × √3 होता है 3 बटा 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 × 1 हो जाएगा 1/2 × 2 हो जाएगा 4। अब हमें इसे हल करना है। तो जो हमें मुश्किल लग रहा था देखो वो कितना आसान है, 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 को 4 से भाग किया 1, 1 × 3 होता है 3 प्लस 4 को 4 से भाग किया 1, 1 को 1 से गुना किया 1। तो हमारे पास आ गया 3 + 1 होता है 4/4। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 4 को 4 से काटेंगे तो उत्तर आएगा 1। इसका मतलब इस प्रश्न का यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी जब हमने वैल्यूज टेबल से देखकर भरी तो उसका उत्तर आ गया है 1। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए, टेबल का रट्टा नहीं मारना। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया है, आप टेबल को समझिए, उसे स्वयं बनाना सीखिए और उस टेबल से देखकर आप यह वैल्यूज लिखकर देखिए कितनी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।